बॉडी से भगा देता हूँ। मैंने कोरोना वायरस में बहुत अच्छी एंट्री मारी है और मैं इम्यूनिटी का तड़का खिलाना चाहता हूँ। बस बस बहुत ज्ञान हो गया। अब मैं आपको काढ़ा बताती हूँ कैसे बनाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ी से आयुर्वेदिक प्लांट्स के बारे में बताया था, जो था नीम, फिर क्या तुलसी, एलोवेरा, गिलोय। आज मैं आपको एक गिलोय की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो थोड़ी कड़वी होगी बट एनर्जी भी मिलती है उससे और वो बहुत ही हेल्दी है। और इस टाइम में तो आपको स्पेशली आधा ग्लास हर्बल पीना ही चाहिए। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखा था मेरा गिलोय का प्लांट इतना था, अभी तो बहुत थोड़ा सा और बढ़ गया है। मैं आपको इंग्रेडिएंट जूम करके दिखा रही हूँ। ये भी मेरी टॉयज है और प्लेट्स हैं, कितनी क्यूट है ना। इनमें मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हैं और इसमें मैंने पानी रखा है और आप इंग्रेडिएंट्स देख ही सकते हो। और ये देखिए, ये है काढ़ा। आपको हर रोज आधा ग्लास तो ज़रूर पीना चाहिए। काढ़े के लिए चाहिए होगा एक भगोना, ऑफ कोर्स सिलेंडर और गैस तो चाहिए होता है बाबा। और काढ़े बनाने के लिए तो पानी तो चाहिए होगा ना। तो पहले आप क्या करोगे, पानी डालोगे भगोने में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि मेरे फैमिली में तीन लोग हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, भाई भी ले लो, बट भाई को इसलिए नहीं लिया था मैंने क्योंकि वो काढ़े में नहीं आता है, क्योंकि उसको सिर्फ एक चम्मच घुसा देते हैं बस। तो इसके लिए हम दो ग्लास पानी डालते हैं और फिर सबको आधा आधा ग्लास मिल जाता है। तो आपको ये रखना है पानी और गैस थोड़ी सी मीडियम फ्लेम में रखनी है। फिर उसमें धीरे धीरे करके सारे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, जो है तुलसी, ये मेरे घर की तुलसी है जो आपने लास्ट वीडियो में देखी थी, नीम, ये भी घर की नीम है, और सबसे इम्पोर्टेंट अभी हमने सुना था गिलोय का ज्ञान, तो गिलोय इम्पोर्टेंट है। और इसको आपको छिलके के साथ नहीं डालना है, इसको छिलके डालना है। और थोड़ी सी ड्राई हो जाती तो और ब्राउन होती है, बट अभी ये थोड़ी सी सूखी नहीं है इसलिए ये अभी थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन है। इसके छिलके निकाल के ऐसा होगा और इसको कूट के नहीं तो पीसेस में भी डाल सकते हैं। फिर हल्दी 2 pinch नहीं तो 1 pinch आपकी मर्जी, वैसे तो 1 pinch डाल सकते हो। और लौंग आप 2-3 लौंग ले सकते हो, 2-3 काली मिर्च, और उसको इसमें कूट भी सकते हो। तो जब आप वो सब इसमें पानी में मिला दोगे तो आपका काढ़ा रेडी हो जाएगा। और जब आप बहुत सारा काढ़ा बनाते हो तो आप ऐसी डेकोरेटिव भी लगता है, ऐसी केटल्स में भी रख सकते हो। और अभी मेरे पास ट्रॉय का बर्तन भी है तो आप ऐसी केटल में भी रख सकते हो, बट इसमें मेरा थोड़ा थोड़ा लीक हो गया इसलिए मैं नहीं रखती। और जब आपको काढ़ा रेडी हो जाएगा तो वो ऐसे दिखेगा। मुझे ये चीज़ें तो बहुत ही पसंद है इसलिए मैंने ये छोटा सा ग्लास लिया है और इसमें काढ़ा डाला है। मेरी मम्मी हर रोज मुझको आधा ग्लास काढ़ा पिलाती है जो बहुत कड़वा होता है। चलिए ये वाला काढ़ा पी के देखते हैं, बहुत कड़वा है बट हेल्थ के लिए तो अच्छा है। और अगर मैं नहीं पीऊँगी तो मम्मी को घुसा के पिलाना पड़ेगा मुझे, तो इसलिए खुद ही पी लो तो अच्छा ही होगा। और लास्ट इंग्रेडिएंट तो मैं बताना भूल ही गई, वो गेस कीजिए, वो तो आपको दिख ही गया होगा। नहीं देखा कोई बात नहीं, मेरा लास्ट इंग्रेडिएंट है अदरक। अदरक भी डालनी बहुत ज़रूरी है और वो है इसमें, इसलिए तो मैंने ड्रॉर में छुपा के रखा था, जिससे कि आप गेस कर सकते हो। और आपने देखा नहीं, नोटिस नहीं किया, यहाँ पे भी मैंने अदरक रखा था। तो ये भी डालना है आपको छील के, नहीं तो आप कूट भी सकते हो, वैसे तो कूट के ही डालना है।
तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। होप यू लाइक इट। और मुझको थोड़ी ना पता है आपको लाइक पे क्लिक करना है कि नहीं, आपको तो पसंद आ ही गया होगा, तो आप क्लिक ही कर दोगे। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। बाय फॉर नाउ। और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी पता चले ये इम्यूनिटी का तड़का। बाय फॉर नाउ। स्टे होम।